2020 में जापान के टोक्यो में ओलंपिक खेल होने हैं और इस बार किक बॉक्सिंग को भी ट्रायल गेम के रूप में शामिल किया जा रहा है। इसमें भारत के खिलाड़ी भी हिस्सा लेंगे। प्रदेश में किक बॉक्सिंग को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री कप हरियाणा राज्य किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया ताकि किक बॉक्सिंग के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन यहां पर दिया जा सके। कुलदीप मार्शल आर्ट क्लब फरीदाबाद और हरियाणा किक बॉक्सिंग संघ के तत्वाधान में दो दिवसीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। चौथा मुख्यमंत्री कप हरियाणा राज्य किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन एक शिक्षण संस्थान में किया गया। इस दो दिवसीय प्रतियोगिता में कई जिलों के तकरीबन 300 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। हरियाणा के 8 जिलों से पहुँचे सैकड़ों खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में पहुँच कर अपने अपने जिले का प्रतिनिधित्व किया। इस प्रतियोगिता में रेफरी की भूमिका निभा रहे इंटरनेशनल रेफरियों ने बताया कि हर साल हरियाणा में मुख्यमंत्री कप का आयोजन किया जाता है। इस बार भी उसी तर्ज पर फरीदाबाद में चौथे मुख्यमंत्री कप हरियाणा राज्य किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लिया। मेरा गेम शुरू से ही किक बॉक्सिंग है और मैं फिलहाल स्टेट खेलने आया हूँ और इससे पहले मैं तुर्किश ओपन नेशनल मैं 3 times नेशनल खेल चुका हूँ, 2 times इंटरनेशनल खेल चुका हूँ और नेक्स्ट टाइम भी इंटरनेशनल खेलने की इच्छा है। मैं 3 times इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ कंटिन्यूसली। पहले मैं रशिया में खेली थी लास्ट ईयर 9 diamond वर्ल्ड कप और फिर इस ईयर अप्रैल में और टर्की में और अभी सितंबर में रशिया खेली थी, उसमें भी गोल्ड, तीनों में गोल्ड जीता और किक बॉक्सिंग। और मैं 5 times इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ कंटिन्यूसली, जैसे पुणे, हिमाचल, तेलंगाना, तालकटोरा स्टेडियम सब में ऑल गोल्ड है। वहीं इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पहुंचे नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ियों ने बताया कि वो अब तक कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुके हैं और उन्होंने विदेशों में भी गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। अब उनका लक्ष्य ओलंपिक में देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना है। बहुत डिस्ट्रिक्ट से टीम आई है, अपना सोनीपत हो गया, रोहतक हो गया, झज्जर, हिसार, पानीपत, फरीदाबाद हो गया अपना और काफ़ी डिस्ट्रिक्ट है। जो है हरियाणा में टोटल 8 टीम्स आई हुई है जो पार्टिसिपेट कर रही है, जिसमें ओवरऑल 200 के करीब बच्चे हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओलंपिक खेल वर्तमान की प्रतियोगिताओं में अग्रणी खेल प्रतियोगिता है, जिसमें हजारों खिलाड़ी कई प्रकार के खेलों में हिस्सा लेते हैं। ओलंपिक की शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन प्रतियोगिताओं में 200 से ज्यादा देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। ओलंपिक खेल 4 साल के अंतराल से आयोजित किए जाते हैं। ओलंपिक खेलों का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति करती है और इस बार ओलंपिक का आयोजन टोक्यो में होना है और किक बॉक्सरों की नज़र इस बार के ओलंपिक पर है, जहां किक बॉक्सिंग एक ट्रायल गेम होना है। खबर अभी तक के लिए फरीदाबाद से दीपक गौतम की रिपोर्ट।